भारतीयों का ये गुस्सा, ये प्रदर्शन, ये नारेबाजी बांग्लादेश में रह रहे उन दंगाइयों के खिलाफ है जिन्होंने हिंदुओं को आग के हवाले करने में ढील नहीं की। ये आक्रोश उन उपद्रवियों के विरुद्ध है जिन्होंने मासूमों को भी नहीं बख्शा। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़ी हिंसक घटनाओं के खिलाफ काशी में आक्रोश देखा जा रहा है। बांग्लादेश की घटना को लेकर हिंदू के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी गुस्सा है। वाराणसी में हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने एक सुर से बांग्लादेश का विरोध किया है। उन्होंने हाथ में पैम्पलेट लेकर स्लोगन लिखा है, कत्ल के रहनुमाओं, महिलाओं और बच्चों को पक्ष दो। हम लोग ये संदेश देना चाह रहे कि वहाँ जो अत्याचार है वो अत्याचार बंद हो, मंदिर ना टूटे, इबादत गाह है वो किसी की ना टूटे, और बच्चों की जो हत्या हो रही है, महिलाओं के साथ जो रेप हो रहा है वो बंद हो, और यादवों पर कार्रवाई हो वहाँ पे भी। बांग्लादेश की जो हिंसा इस समय हो रही है वो एक प्लानिंग के तहत हो रही है। आरक्षण के जिस मसले के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ, ये 2018 से शुरू हुआ था और 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दे चुका था। कोई मसला ये नहीं था, ये आंदोलन वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करने के लिए भारत विरोध में और महिलाओं और बच्चों के साथ जिस तरह का व्यभिचार हो रहा है वो पूरी तरह से गलत है। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। काशी के अलावा फिरोजाबाद में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी ने गले में भगवा झंडा लेकर भारत माता के जयकारे भी लगाए। जैसा कि वहाँ पर चला आरक्षण तो एक मुद्दा था, इस तरह से हमको नेता लोग भड़काते हैं, हमको भड़काने में नहीं आना है। और आज फिरोजाबाद में हिंदू समाज एक ताकत दिखाने के उद्देश्य से, और बांग्लादेशी जितने मुसलमान भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, रोहिंग्या जितने भी भारत के अंदर निवास कर रहे हैं, चाहे वो वैध रूप से हों अवैध रूप से हों, सरकार से हमारी मांग है उन सभी को तत्काल प्रभाव से निकाला जाए। बांग्लादेश के खिलाफ भारतीयों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है जो फिलहाल तो शांत होने की उम्मीद नहीं है। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से हालात और खराब होते चले गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंसा की आग वहां रह रहे हिंदुओं पर कहर बनकर टूट रही है, जिसको लेकर पूरे भारत में आक्रोश है। वाराणसी के लम्ही इलाके में लोगों ने मिलकर एक मार्च निकाला जिसमें शामिल लोगों ने भारत सरकार से इस पर कड़ा एक्शन लेने की मांग की है।